शरद पूर्णिमा यानी कि तंत्रोक्त रात्रि इसी दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसीलिए यह दिन बहुत ही ज्यादा खास और दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि यह दिन माता लक्ष्मी का ही दिन है। इसी दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और इस बार रविवार 9 अक्टूबर 2022 को सुबह 3:41 से शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि अगले दिन सोमवार 10 अक्टूबर 2022 को सुबह 2:25 पर समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी अपनी सवारी उल्लू पर सवार होकर धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों की समस्याओं को दूर करने के लिए वरदान भी देती हैं, जो कि अपने आप में ही सिद्ध, खास और विशेष हो जाती है। यह एक तंत्रोक्त रात्रि है उन लोगों के लिए जिनके जीवन में धन की हमेशा ही परेशानी बनी रहती है, या फिर घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, घर में सुख समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, बात बात पर ग्रह कलेश होते ही रहते हैं, या फिर वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता है और हमेशा ही नौकरी का, व्यवसाय का संकट घेरे ही रहता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा इन सभी समस्याओं के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष मानी जाती है और बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते भी रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ बड़े ही ज्यादा खास और दुर्लभ प्रयोग के बारे में, जिनको करने से माता लक्ष्मी की खास विशेष कृपाएं तो मिलती ही हैं, बल्कि शुक्र ग्रह भी बलवान हो जाता है। और जैसा कि हमने अपने पिछले काफी वीडियोस में भी बताया है कि शुक्र ग्रह ही लग्जरी का ग्रह होता है, विवाह का ग्रह होता है, खास करके जिन लोगों का विवाह हो नहीं पाता है या फिर विवाह के बाद बहुत ही ज्यादा अड़चनें आती हैं, ग्रह कलेश और भी अधिक बढ़ जाता है, तो ऐसे में आप समझ जाएं कि शुक्र ग्रह आपका कमजोर है। शुक्र ग्रह की कमजोरी के कारण नौकरी में हानि देखनी पड़ती है, व्यापार में भी कुछ भी नहीं हो पाता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन इन सभी चीजों को करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहली चीज दोस्तों ये है कि शरद पूर्णिमा के दिन आप तुलसी के पौधे की 108 परिक्रमा करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो कोई भी व्यक्ति तुलसी के पौधे की 108 परिक्रमा करता है, उसके सभी संकट दुख तुलसी माता हर लेती हैं। खास करके अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं रहती हैं, तो जरूर ही आपको 108 परिक्रमा करनी है। और अगर आपके घर में ग्रह कलेश बहुत ही ज्यादा अधिक बना रहता है, घर में बिल्कुल भी प्यार नहीं है, तो ऐसे में सभी घर के लोगों को एक साथ ही 108 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब दूसरा उपाय है कि अपने घर की तुलसी को आप शरद पूर्णिमा के दिन चुनरी उड़ाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद बताया है तुलसी का पौधा लक्ष्मी स्वरूपा होता है। और बहुत सारे लोग ऐसी गलतियों को करते हैं कि तुलसी के पौधे को चुनरी बिल्कुल भी नहीं उड़ाते हैं और वहीं पर जूते, चप्पल आदि भी निकाल कर रखते हैं। तो दोस्तों, इस बात का बेहद ही खास ध्यान रखना है कि तुलसी के पौधे को शरद पूर्णिमा के दिन एक चुनरी जरूर उड़ा दें, और ये भी ध्यान रखें कि जब भी चुनरी फटती है तो आप दोबारा से नई चुनरी को उड़ा दिया करें। अगर तुलसी के पौधे का इस तरह से आप खास ध्यान रखते हैं, तो तुलसी का पौधा भी फिर आपका ध्यान रखने लगता है और धन की सभी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाती हैं। अब तीसरी चीज है दोस्तों कि अगर आपके जीवन में वैवाहिक सुख बिल्कुल भी नहीं है और शादी के बाद बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं और पति पत्नी में बिल्कुल भी नहीं बन पाती है, आए दिन घर में संकट ही बना रहता है, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि घर में अगर ग्रह कलेश बहुत ही ज्यादा अधिक होता है तो वहां पर माता लक्ष्मी का आगमन बिल्कुल भी नहीं होता है। और शरद पूर्णिमा के दिन तो माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, तो इस दिन जो कोई भी व्यक्ति इन सभी बातों का ध्यान रखता है, उसे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। तो इन सब चीजों के लिए आपको करना है कि शरद पूर्णिमा के दिन आपको चांद को कच्चे दूध में चावल डालकर चढ़ाने हैं और दोनों पति पत्नी को एक साथ मिलकर ही चढ़ाना है, क्योंकि ऐसा करने से घर में हमेशा ही सुख समृद्धि बनी रहती है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त हो जाती है। इसी से चंद्र ग्रह के दोष भी बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि किसी भी व्यक्ति पर चंद्र ग्रह के दोष होते हैं, तो ऐसे लोगों पर चंद्र ग्रह के दोष के कारण आरोप बहुत ही ज्यादा अधिक लगने लगते हैं। जैसे कि अगर वो कुछ करते भी नहीं है तो सभी लोग उन्हें ही गलत समझने लगते हैं, उन्हें ही आरोप लगाने लगते हैं। जैसा कि आपने खुद भी काफी बार देखा होगा कि ऑफिस में या आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, तो उन्हीं लोगों पर आरोप हमेशा लगते हैं जिनका चंद्र ग्रह कमजोर होता है। तो इन सभी चीजों के लिए आप चांद को शरद पूर्णिमा के दिन कच्चे दूध में चावल चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ही ज्यादा अधिक रहते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन आप अपने शत्रुओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। उसकी विधि इस प्रकार है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अधिक बीमार पड़ता रहता है या किसी न किसी को बुरी नजर हमेशा ही लगती रहती है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि शरद पूर्णिमा के दिन सूरज डूबते समय आपको किस काली मिर्च ले लेनी है।
21 काली मिर्च के साथ ही आपको 21 लौंग भी ले लेनी है और इन दोनों ही चीजों को आपको घर के सभी सदस्यों के ऊपर से उतार लेना है। और इस बात का ध्यान रखें कि 21 बार ही उतारना है। बहुत सारे लोगों को उतारना नहीं आता है, तो आपको बता दें कि सिर से लेकर पैर तक आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी डायरेक्शन में घुमाते हुए उतारना है। और उसके बाद कपूर की सहायता से इन सभी चीजों को जलाकर बिल्कुल राख कर देना है। ऐसा करने से सभी बुरी नजर बिल्कुल बाहर निकल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई ना कोई हमेशा ही बीमार पड़ता रहता है, जिसके कारण सारा धन बिल्कुल फिजूल खर्च ही होने लगता है। तो इन सभी चीजों के कारण जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इन सब चीजों से छुटकारा आप इस आसान से प्रयोग को करके पा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करते ही सभी बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल बाहर निकल जाती हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो आपको बता दें कि नकारात्मक ऊर्जाएं, बुरी शक्तियां घर में कोनों में वास करने लग जाती हैं और वहां पर रह रहे लोगों पर इतना ज्यादा असर डालने लगती है कि उन्हें बिल्कुल भी सुख का अनुभव होने ही नहीं देती हैं। और जैसे ही सुख अनुभव होने भी लगता है तो उसे भी वो सब बुरी शक्तियां छीन लेती हैं। तो इन बुरी शक्तियों को निकालने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन काली मिर्च और लौंग का जो यह उपाय है, यह बेहद ही ज्यादा अचूक है और शक्तिशाली है। और अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ही ज्यादा अधिक रहते हैं तो आपको एक दुर्लभ प्रयोग और करना है कि शरद पूर्णिमा के चांद में बैठकर आपको चांद को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है, जो कि इस प्रकार है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बैठने से पहले आपको आसन बिछाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही आपको बैठना है। सिर्फ इसी तरह से यह उपाय को करना है। चांद आपको 11 माला इस जाप करने से पहले आपको अपने हाथ में जल लेते हुए संकल्प लेना है कि आप 11 माला अपने शत्रु से छुटकारे के लिए, शत्रु को हराने के लिए कर रहे हैं। हाथ में जल, चावल और फूल लेकर इस प्रकार आपको संकल्प लेना है और जल को, फूलों को और चावल को आपको जमीन पर गिराकर एक माला ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना है। और उसके बाद 11 माला महाकाली के मूल मंत्र का, जो कि इस प्रकार है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का 11 माला जाप कर लेना है। और उसके बाद फिर से एक माला जाप कर लेना है ओम नमः शिवाय का। ऐसा करने से शत्रु मुक्ति हो जाती है और शत्रु बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। बहुत सारे लोगों की समस्याएं रहती हैं, शत्रु उनके जीवन में आए दिन हलचल मचाते रहते हैं। तो शरद पूर्णिमा केवल एक दिन का ही यह प्रयोग है, जिसको करने से शत्रुओं से बिल्कुल ही छुटकारा मिल जाता है और महाकाली की दिव्य शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, जिससे किसी भी तरह की बुरी नजर नहीं लग पाती है। और आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति महाकाली का भक्त होता है उसमें एक ऐसी प्रचंडता होती है कि उसकी आंखों में दुश्मन आंख मिलाकर नहीं देख पाता है, और आंखों में आंख मिलाकर देखने की कोशिश भी करता है तो उसकी बुद्धि खुद ही भ्रष्ट हो जाती है। जैसे अगर कोई महाकाली का भक्त होता है और महाकाली के भक्त के प्रति कोई दुश्मनी का स्वभाव रखता है तो उस व्यक्ति के संपर्क में आते ही जो व्यक्ति दुश्मनी का स्वभाव रखता है महाकाली के भक्त के प्रति, उसकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट ही हो जाती है केवल आंखों में देखने से ही। तो आप हमेशा ही पूर्णिमा के दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं या एक दिन का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसी तरह से अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा अधिक परेशानी रहती है और व्यापार आपका बिल्कुल भी नहीं चल पाता है तो आप एक प्रयोग और करें धन की समस्याओं को दूर करने के लिए। या फिर अगर आपको नौकरी नहीं मिल पाती है या फिर व्यापार आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल पाता है तो आप इस प्रयोग को करके लाभ उठाएं। इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आपको करना है कि सिंदूर और चंदन को ले लेना है और इन दोनों ही चीजों को एक मात्रा में मिलाकर मिक्स कर लेना है। और मिक्स कर लेने के बाद आपको एक लकड़ी के बाजोट पर श्रीम बीज मंत्र को लिख देना है। श्रीम लिख लेने के बाद चांद को देखते हुए ही आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम क्लीम श्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी देवी नमो नमः। बस इतना सा ही यह मंत्र है। इस मंत्र की किस माला आपको कर ली है, यह रुद्राक्ष की माला से या किसी भी माला से किया जा सकता है। और अगर आपके पास कोई भी माला नहीं है तो बिना माला के ही आप इसे कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जिस प्रकार महाकाली प्रयोग में करना है उसी प्रकार यह महालक्ष्मी प्रयोग में भी करना है, यानी के संकल्प लेना है जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो धन से जुड़ी हुई हैं, उन सभी समस्याओं को आपको हाथ में जल, चावल और फूल लेते हुए बोलना है और चांद को देखते हुए ही इस मंत्र का उच्चारण, किस माला आपको कर लेना है। मंत्र को जाप करने से पहले ओम नमः शिवाय का जाप करना है एक माला और 21 माला हो जाने के बाद फिर से ओम नमः शिवाय का एक माला जाप कर लेना है। और जब यह सभी चीजें हो जाती हैं, जो श्रीम आपने लिखा है बस श्रीम के ऊपर आपको एक घी का दीपक जलाकर रख देना है।
और यह बाजोट जिस पर आपने श्रीम लिखा था इसे आपको अपने घर के पूर्व उत्तर कोने में रख देना है और वहीं पर इसे लाकर दीपक जलाकर पूरी रात के लिए जलाकर रख देना है। यह पूर्णिमा पूरी रात जलना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी शरद पूर्णिमा की रात को भ्रमण करती हैं और जो कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर लेता है माता लक्ष्मी वहीं पर वास करने लग जाती हैं। उस व्यक्ति को खास विशेष कृपाएं प्राप्त हो जाती हैं। ये सभी चीजें बड़े ही ज्यादा दुर्लभ हैं और विशेष हैं, जो आप पूर्णिमा के दिन बिल्कुल भी करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप इन प्रयोग के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। जय माता लक्ष्मी लिखकर कोई भी सवाल अपना लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दें जिससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके और दूसरे लोगों की भी मदद हो सके। इसी तरह की खास ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।